वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ज़ेबास किचन। आज हम गुलगुले बनाएंगे, बेरी के गुलगुले। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है, इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी। 200 ग्राम के कप से मेजर करके लिया है मैंने। इसका हम सिर्फ ये इतना गर्म करेंगे कि ये शक्कर थोड़ी पिघल जाए। शक्कर पिघल, ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है मैंने। शुगर मिलाकर पिसा हुआ है इसलिए 1 टीस्पून लिया है। ये आटा ले लेंगे हम। आटे को मैंने मैदे की छन्नी से छान लिया है, मैदा जिससे छानते हैं हम तो बारीक एकदम। 3 कप आटा लिया है ये मैंने। और ये बेरी है, 150 ग्राम बेरी है। ये हम जो घी कड़ा कर बनाते हैं ना, मलाई का जो निकलता है, तो वो बेरी है। ये ऐड कर लेंगे हम पानी तरह से सब चीज़ें मिलाकर। इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे हम पानी, और अगर थोड़ा ऐड करना हो तो ऐड करेंगे हम। ये खाता सोडा है, 1 पिंच है खाता सोडा। ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि तो उसमें ऑलरेडी घी भी गया है बेरी के साथ में। ये ऑयल रखा है मैंने गरम के लिए। ये देखिए इस तरह से हम फ्राई करेंगे। आप रेस्ट के लिए रखना हो तो रख सकते हैं 5 मिनट के लिए बैटर को, या फिर वैसे भी तले तो चलेगा। तरह से फ्राई कर लेंगे हम राइट ब्राउन ब्राउन होने तक से। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्टी भी लगते हैं गुलगुले। कोई भी बनाना चाहता है आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।